दोस्तों भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ट्राई जो है समय समय पे दोस्तों हर क्वार्टरली एक रिपोर्ट जाहिर करता है, जहां पे बताया जाता है कि मार्केट शेयर टेलीकॉम कंपनीज का मार्केट शेयर भारत में कितना है, किसका बढ़ा किसका कम हुआ, पैसे के मामले में कौन सी कंपनी ज्यादा पैसे कमा रही, कौन दोस्तों लुटती जा रही है, सारी की सारी डिटेल आती रहती है। फर्स्ट क्वार्टर 2021 का दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आ चुकी है, अप्रैल मई जून की रिपोर्ट आई है, जहां पे जियो ने एयरटेल ने बहुत अच्छा शानदार काम किया दोस्तों कमाई के मामले में और सब्सक्राइबर के मामले में। लेकिन भारती हमारा वोडाफोन आइडिया दोस्तों फिलहाल यहाँ पे पिछड़ी साबित होते हुए और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर नजर रखती है ट्राई, जब भी कुछ नया अपडेट आता है ट्राई दोस्तों रिलीज करती है, बताती कौन सी कंपनी कितने पानी में यहां पे हैं। दोस्तों दो रिपोर्ट निकल के सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में पैसा कितना कमा रही है दोस्तों कौन सी कंपनी, दोस्तों यहां पे रेवेन्यू मार्केट शेयर मतलब पैसा कितना, मतलब कितना शेयर दोस्तों पैसे के मामले में कौन सी कंपनी कहां पे, जहां पे वोडाफोन आईडिया दोस्तों यहां पे रैपिडली अपना स्ट्रांग जो दोस्तों यहां पे बेस था उसको गवाती जा रही है, कमाई के मामले में फिसड्डी साबित होती जा रही है, इसका एआरपी भी दोस्तों गिरता जा रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं यहां पे दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ यहां पे बात करें तो यहां पे भारतीय एयरटेल और जियो दोस्तों यहां पे अच्छा खासा कमाल यहां पे दिखा रहे हैं दोनों ही दोस्तों, यहां पे ऑलमोस्ट 448 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 23.3% के हिसाब से दोस्तों जून क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहां पे दोनों कंपनी ने दिखाया है। वोडाफोन आईडिया का दोस्तों यहां पे बेस गिरता जा रहा है, उसके हिसाब से दोस्तों इसके 2G और 3G के अंदर भी दोस्तों कमाई यहां पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कंपनी दोस्तों माइनस में जा रही है, नुकसान दोस्तों कंपनी का बहुत ज्यादा यहां पे हो रहा है। और मार्केट लीडर दोस्तों जियो की बात करें तो यहां पे दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, 702 बेसिस पॉइंट के हिसाब से दोस्तों 41.8% दोस्तों मार्केट शेयर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर इसका है जियो का, जो सबसे ज्यादा बोला जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बात कर लूं ये जो है दोस्तों क्यों दिख रहा है, क्योंकि दिसंबर में इन कंपनियों ने टैरिफ भी हाइक किए थे तो डेफिनेटली इनका दोस्तों इफेक्ट तो आना ही था 3 महीने के बाद, तो यहां पे डेफिनेटली 41.8% के साथ दोस्तों मार्केट शेयर में दोस्तों पैसे में रेवेन्यू के अंदर यहां पे जियो नंबर 1 पे, 2 नंबर पे दोस्तों यहां पे एयरटेल आता है जहां पे 34.8% के साथ दोस्तों 391 बेसिस पॉइंट के हिसाब से दोस्तों एयरटेल ने भी अच्छा खासा ग्रोथ यहां पे अपनी अर्निंग में दिखाई, इसलिए दोस्तों एयरटेल का एआरपी भी बढ़ा है। दोनों ही दोस्तों जियो और एयरटेल दोस्तों ऑलमोस्ट 150 के आसपास है, लेकिन अगर बात करें वोडाफोन आईडिया तो 105 और 103 के बीच में खेल रहा है, उसको 150 तक ले जाने में भी दोस्तों यहां पे मतलब हालत खराब है। लेकिन यहां पे दोनों ही कंपनी एयरटेल और जियो दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ यहां पे दिखा रही है। अब चलते हैं दोस्तों ट्राई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल गई, जहां पे दोस्तों मार्केट शेयर की बात की जा रही है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दोस्तों मार्केट किसके पास कितने सब्सक्राइबर है स्क्रीन में देख सकते हैं, जियो मार्केट शेयर रीच टू 34.33% में दोस्तों, मई का रिजल्ट का दोस्तों जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया इसमें जियो ने अपने मार्केट शेयर को यहां पे और बढ़ाते हुए दिखाया दोस्तों 34.33% व्हाइल द कंट्रीज टोटल यूजर्स बेस हैज सीन डिक्लाइन। अगर पूरे भारत में मोबाइल यूजर्स की बात तो थोड़ा डिक्लाइन होते हुए दिखा जो भी शहरों में, वो रिपोर्ट के बारे में तो बात कर लेंगे। जियो का मार्केट शेयर दोस्तों यहां पे बढ़ा है, उसके साथ साथ दोस्तों बता दूं रिलायंस का जियो मार्केट का शेयर अभी 34.33% है, भारतीय एयरटेल 27.78 दूसरे नंबर पे, भारतीय एयरटेल यहां पे और वोडाफोन आईडिया दोस्तों 27.09% के साथ तीसरे नंबर पे यहां पे खड़ा है। ये 31 मई तक का दोस्तों डेटा है जो यहां पे फर्स्ट क्वार्टर की बात की जा रही है 2021 की। अब दोस्तों यहां पे बात की जा रही है कि यहां पे ये तीनों कंपनियां तो दोस्तों प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी का जो पूरे भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में 89.21% दोस्तों, बाकी का जो 10.79% है ये भारतीय सरकारी कंपनी यानी BSNL और MTNL के पास यहां पे होता है, जो ज्यादा कुछ खास तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वोडाफोन आईडिया और BSNL के बीच में कंपटीशन होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे BSNL धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है अपने सब्सक्राइबर बेस को भी यहां पे, तो ये सारी चीजें दोस्तों यहां पे चल रही है। और बात करें दोस्तों पूरे कंट्री के अंदर अगर बात करें दोस्तों तो यहां पे मोबाइल ऑपरेटर्स मोबाइल नंबर यूज करने वाले दोस्तों जो उपभोक्ता है यूजर्स है उसके अंदर डिक्लाइन देखा गया दोस्तों, इसके अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों बताया तो 1143 मिलियन दोस्तों हुआ करता था मई में, जो दोस्तों यहां पे सॉरी 1143 दोस्तों मई में हो गया, जो पहले दोस्तों यहां पे उससे पहले 1149 यानी 1150 मिलियन हुआ करता था, जहां पे 0.49% की दोस्तों गिरावट यहां पे देखने को मिली। यस 0.49% की गिरावट दोस्तों मोबाइल यूजर्स में देखने को मिली, और ये कहां पे देखने को मिली दोस्तों बता दूं, यहां पे दोस्तों अगर बात कर लीजिए सब्सक्राइबर बेस में तो गांव के अंदर, यस दोस्तों गांव के अंदर यहां पे सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है, यस गांव के अंदर सब्सक्राइबर बेस बढ़ा, जो दोस्तों 520 मिलियन हुआ करता था, जो बढ़ के दोस्तों यहां पे 523 मिलियन यहां पे हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर गांव में बढ़े हैं मोबाइल के अंदर, मोबाइल यूजर्स बढ़े। लेकिन अगर बात करें शहरों की तो शहरों में दोस्तों 629 हुआ करता था, जो 620 हो गया, मतलब 9 मिलियन सब्सक्राइबर यहां पे शहरों के अंदर छोड़ के गए, मतलब शहरों में लोगों ने मोबाइल यूज करना कम किया है, गांव में दोस्तों ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों यहां पे हो रही है। और यहां पे दोस्तों अगर बात कर लीजिए वोडाफोन आईडिया की, तो वोडाफोन आईडिया के लिए फिलहाल दोस्तों कोई भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर बेस में भी दोस्तों ये तीसरे नंबर पे आ चुका है, धीरे-धीरे इसको सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं, और प्रॉफिट के माने में
रेवेन्यू के मामले में दोस्तों ये अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन एयरटेल और दोस्तों जियो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं दोस्तों, पैसे में भी और प्लस सब्सक्राइबर बेस में भी, दोनों का दोस्तों बेस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी अपडेट जो आई थी ट्राई की तरफ से, जहां पे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बारे में दोस्तों डिटेल में बताया गया था कौन सी कंपनी कितना रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पे रखती है, कितना दोस्तों सब्सक्राइबर बेस है, जहां पे जियो एयरटेल ने बाजी मार ली लेकिन वोडाफोन आइडिया ने फिलहाल यहाँ पे निराश किया। फ्रेंड्स मुझे बताइए दोस्तों आपकी रिपोर्ट कैसे लगी, वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन देखिएगा उसको सब्सक्राइब बटन बोलते हैं, उसको दबा दो तोड़ दीजिए, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनिल फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, उसके पास ही दिखेगा एक घंटे का बटन उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।